अच्छा भाभी, आपका चैनल तो काफी इन्फॉर्मेटिव है, तो क्यों ना आपके चैनल पे किचन से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन टिप्स दी जाए, क्या बोलते हो? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये देखो, आप ये देख रहे हो पिंडी छोले, काले वाले। बहुत सारे लोगों को काले पिंडी छोले बनाना बहुत पसंद है, लेकिन जनरली इनको काला करने के लिए ना चाय पत्ती डालते हैं। अब अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो वो चाय पत्ती इतना कंज्यूम करना उसके लिए सेफ नहीं है, और प्लस इतना चाय पत्ती हर बार क्यों वेस्ट करना। इसका एक बहुत हेल्दी और अच्छा ऑल्टरनेटिव है मेरे पास। आप जो अनार के छिलके हैं ना, उसको अच्छे से नीट एंड क्लीन करके जब छोले उबलने के लिए रखते हैं तब वो अनार के छिलके को डाल दीजिए, हार्डली एक पीस, इतना बड़ा साइज का, एक पाव छोले में। ये जो आप कलर देख रहे हो आज मैंने उसी से लाया है, इतना ब्लैक कलर। आपके पिंडी छोले बहुत अच्छे बनेंगे, टेस्ट भी इनहेंस हो जाएगा, और अनार अपना अलग से कोई और कड़वापन या कलर नहीं छोड़ता, सिर्फ ब्लैक कलर छोड़ता है। तो ये थी आज की टिप नंबर वन। ऐसे और टिप्स के लिए हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वेट करिए।